सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमस्ते।
रक्ताधन्ता भविष्यन्ते जडमे कुसुमोपमा तदा मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा स्थूलन्तो व्याहरिष्यन्ते सततं रक्तधन्तिकाम् भूयश्चाशतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ संलभिष्यामि योनिजा ततः शतेन नेत्राणाम् निरीक्षिष्यामि यन्मुनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शताक्षीमिति मां प्रतः ततोऽहमखिलम् लोकम् आत्मदेह समुद्भवे भरिष्यामि सुराशाग्रावृष्टे प्राणधारकै शाकम्भरेति विख्यातम् तदा यास्यामहम् भवे तत्रैव व्यवधिष्यामि दुर्गमाख्या महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातम् तन्मे नाम लविष्यति पुनश्चाहम् यदा भीमम् रूपम् नीत्वा हिमाचले रक्षार्थे भक्षयिष्यामि मुनीनाम् प्राणकारणात् तदा मा मुनयः सर्वे शोचन्द्यानन्दमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति जलारुणाख्यस्त्रैलोके महाभागम् करिष्यति तदाहम् भ्रामरम् रूपम् कृत्वा सङ्गेषपदम् त्रैलोक्यस्य हिताय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च माम् लोकाः सदा शोष्यन्ति सर्वदा इत्थम् यदा जला बाधा दानबोधा भविष्यति तदा तदा वदीर्याहम् करिष्यामि संशयाम् सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का मां विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा मां विभूति की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवघोर के अंदर माँ विभूति की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवता गण भी करवत माँ विभूति स्तुति करते हैं आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं आप सही भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसे लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपका आशीर्वाद दें आपके मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले ही जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होती है दीर्घायु को प्राप्त होती है उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मजगजन में मजगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं आप सभी अपना ध्यान माया के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें आप सबका मंगल करें
ध्यान विद्युत्तम समप्रभां बृजपदे स्कन्दस्थितां देशनां कन्यां विकरबालजेटविलसत् हस्ताभिरासेवितां हस्ते शक्रगदातिखेटविशिखाश्चापं गुणन्तरजने विभ्राणामणलात्मिकां च चिदरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ जिह्युवाच एवेष्टवेश्च मां नित्यं शोषते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयं मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनम् ईर्तयिष्यन्ति ये तद्वत्पदं शुम्भन् शुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोषन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्च दुष्कृतोत्था न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टविजोषणम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः नाशस्रानुरतो योगान् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममेतं माहात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्रयः गुरुसर्गान् शेषास्त्रं महामारे समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमये मम यत्रैतत् पठ्यते सम्यग् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकाले महोत्सवे सर्वमणे तच्चरितम् उच्चालयं चाभ्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृताम् प्रतिशिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके तस्यामेतं माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ते समन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यासुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतं माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयात्मान् ऋपवः सङ्ग्रहं जान्ते कल्याणं चोपपद्यते नन्दरे च कुलं पुंसमाहात्म्यमनुशृणुता शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम भूसर्गः समं जान्ते गृहपीडाश्च दारुणः दुःस्वप्नं च निवेदृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालगृहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे जनेनां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्भित्तानां शेषाणां बलहानीकरं वरम् रक्षाभूतविशाचाणां पठनादेवनाशनम् सर्वमेतं माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यदुर्पेश गन्धदीपे सभोत्तमे विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणीयरहर्निशम् अन्यैश्चाभिर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतमैक्रियते शास्मिन् सर्वे सुचरितेषु ते श्रुतमहस्तु पापानि तथा रोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्मे दुष्टदैत्यनिवारणम् तस्मै श्रुते भयविकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिश्रुतयो याचे याच ब्रह्म श्रीकृता ब्रह्मणा च कृतास्तासु प्रयच्छन्ते शुभामदे अरण्ये प्रान्तरे वापि धावन्ये परिवारितः दस्यभिर्वा कृता शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्राण जातो वा भणे वा वनः श्रुभिः राज्ञा क्रुद्धेन जाग्यक्तो मध्यो मन्दागतोऽपि वा आधुनिको महापातेन स्थितः पोते महानवे पदसूचाभिशस्त्रेषु सङ्ग्रामे विषधारुणे सर्वाभासु घोरासु वेदनाभ्यादितोऽपि वा समर्पमेतचरितं नरो मुच्येत सङ्गरा नमकरा वा सिंहाद्या दस्य भोगलिणे स्थिता
दूरा देव पलायन्त सदत शरितम् ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवते चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्र मान्द्रधीयत देवदेवा निरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा यक्षभागभुजा सर्वे चक्रविनीयतार्य दैत्याचर्यप्राणिहत शुम्भे देवानिपोजिते जगद्विध्वंसमेतस्मिन् महो गृहतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्य शेषः पातालमायुजुः एवं भगवती देवे सानित्यापि पुनः पुनः सम्भूया कुरुते भूप जगतः परिपालन त्रयतन्मोज देवेश्वम् सेव विश्वम् प्रसूयते साचिता च विज्ञानम् तुष्टा ऋद्धिम् प्रयच्छति ज्ञातम् वैरसरलम् ब्रह्माण्डम् मणयेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपया सेवकाले महामारे सेवशेषे भवत्या स्थितिम् करोति भूतानाम् सेवकाले सनातने भवकाले नृणाम् सेवा लक्ष्मी वृद्धि प्रदागृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्प धूपगन्धादिविश्रुता धरातिविक्तम् पुत्रा च मतिम् धर्मे गतिम् शुभा अत्सत्कुञ्जिकास्तोत्र शिवोवाच शृणु देवे प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् नागवचम् न शिवास्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् न सूक्तम् नापि ध्यानम् च नान्यासो न च वाचनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलम् भवेत् अतिगुह्यतरम् देवे देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयम् प्रयत्नेन स्वयमेव पार्वते मारणमोहनम् वर्षम् सम्बनौ चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्य कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं झुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वलहं संलक्षं घट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनि नमः केतवहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनि जाग्रतम् हि महादेवे जपम् सिद्धिम् कुरुष्वे लिङ्कारी सृष्टिरूपाय लिङ्कारी प्रतिपालिका लिङ्कारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तु ते चामुण्डा चण्डघाते च जयकारी वरदायिनि नित्ये चावयदा नित्यम् नमस्ते मन्त्ररूपिणि धां धीं धूं धुर्जटे पदने वां धीं भूं बागदेश्वरि त्रां क्लीं क्रों कालिका देवी शां श्रीं श्रूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्ये जं 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 भराधनि भैरवीभद्रे भवाने ते नमो नमः अं कं चं तं तं पं यं षं बिं दुं ऐं बिं हं षं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीपं कुरु कुरु स्वाहा आं क्लीं कुं पार्वती पूर्णा कां क्लीं कुं केतरे तथा सा श्री सुसप्तशली देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरु स्मे इदम् तु कुञ्जिका स्तोत्रम् मन्त्रजाग्रति हेतवे अभद्रेणैव दातव्यम् गोपितम् रक्ष पार्वति यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनाम् सप्तशतीम् पठे न तस्य जायते सिद्धि अरण्ये रोदनम् यथा अथ दुर्गाया तत्सरस्वते नमस्ते शरण्ये शिवेशानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापि देवेश्वरूपे
नमस्ते जगत मंद पादार वृंद नमस्ते जगत तारिणी काली दुर्गे नमस्ते जगत चैतन्य स्वरूप नमस्ते महायोगी विज्ञान रूप नमस्ते नमस्ते सदानंद रूप नमस्ते जगत तारिणी त्रयी दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयातस्य भीतस्य बद्धस्य यन्तो त्वमेकागतिर्देवि निस्तारकर्त्रि नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अरण्ये जय भाई सभी भर धनी झोलक
Hare
क्षमा प्रार्थना अपराध दहस्नाये शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से, विशुद्ध मन से कहीं भी इस मां जगजंडी का ध्यान करते हैं,
माँ भगवती का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ के चरणों का ध्यान कर करके प्रतिदिन निजपूर्वक जो है माँ भगवती को नमस्कार करते हैं, माँ के चरणों में नतमस्तक होते हैं। इस माँ जगजन ने जगत माता की उन शरणा भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वह भक्त जन, वह साधक जन परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उन भक्तों की जो भी मनोवलक्षित कामना होती है माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वह सब पूर्ण होती है। और वह भक्तजन, वह साधक जन जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों में उन्हें सफलता प्राप्त होती है और जीवन में सदा सर्वदा उनके रिद्धि सिद्धि रहती है। इसलिए कल्याण का मनुष्य चाहिए, जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना बुद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में मैत्री संवर्धन चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस देवी की पूजा, इस शक्ति उपासना जो है अवश्य करनी चाहिए। मेधा से देवी तक शास्त्र सारा, दुर्गा से दुर्ग भवसा नौर संगा, श्री केट भारी हृदय क्रादिवासा, गोरी तमेव शशि मौली कृत प्रतिष्ठा। मेधा से भी देवी विदिता खिल शास्त्र सारा, कि देवी जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान प्राप्त होते हैं वह मेधा शक्ति आप ही। अर्थात यही मेधा शक्ति के रूप में, बुद्धि की शक्ति के रूप में जो है, बुद्धि के रूप में विद्वान होकर के यही भगवती ये ज्ञान को देती है। स्वस्थ ज्ञान को देने वाली जो है यही भगवती है। ये देवी की जब कृपा हो जाती है तो जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हैं। इस प्रकार से भगवती कृपा से, माँ का आशीर्वाद से जिन भक्तों का जो है ज्ञान चक्षु जो खुल जाता है, फिर उन्हें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि अंतर का ज्ञान जो उनका प्रकट होता है और प्रत्येक कार्य में जो है उनके ऐसे निर्णय होते हैं, अद्भुत निर्णय होते हैं और उनकी बुद्धि कभी कोई गलत निर्णय करती नहीं। जब देवी की कृपा होती है तो समस्त शास्त्र ज्ञान को देने वाले, समस्त ज्ञान को देने वाली मेधा शक्ति आप ही। दुर्गा से दुर्ग भव सागर नरसंगा, दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप भी आप ही। माँ भगवती की शरणागति, जो माँ के शरणागत हो जाते हैं उन पर ऐसी कृपा हो जाती है, बस भवसागर से इस संसार में स्व सुख भोग करते हुए इस भवसागर से वह पार हो जाते हैं। उनके जीवन कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आती है, बस सबोर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। साधक साधना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, परंतु कई बार जो है हतोत्साहित हो जाते हैं कि हम तो इतने समय हो गया है माँ की साधना करते, माँ से प्रार्थना करते हुए, माँ ने अब तक हमारी प्रार्थना स्वीकार की नहीं, हमें सिद्धि प्राप्त हुई नहीं। इस प्रकार से कभी भी जीवन हतोत्साहित मत होना, क्योंकि कहा है अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम न क्षीते कर्म जन कोटि सतरपि, बिना भोग्य कर्म जब क्षीण होते। कई जन्म का कर्म जो है उनको जहीं पर आकर के ये जीव जब भोगता है, जब तक पाप शेष है आप धर्म कर्म करते रहिए, उन पापों का नाश होता रहेगा और जिस दिन वह पाप समाप्त हो जाए, क्योंकि पुण्य कर्म करने से ही पापों का नाश होता है, और जिस दिन जब पाप नष्ट हो जाएंगे, पापों का नाश होगा, तो अपने आप आपको सिद्धि प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। केवल साधक साधना करता है, बड़ी साधना करता तब करता है। कहते हैं कि एक बार एक संत महाराज जी, उसके मन में जो विचार आया, गृहस्थी था, परिवार में रहता था, तो मन में विचार आया जो साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके जीवन चमत्कार होते हैं, भगवान का साक्षात्कार होते हैं, भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, तो ऐसा विचार करके घर से चल पड़ा, संत बन गया। वन में चला गया, वन में जाकर के अब भगवान के नाम का, भगवत के नाम का जप करने लगा, साधना करने लगा, बड़ी घोर तपस्या की, 12 वर्ष तक तप करता रहा। बड़ी बड़ी जटा होगी, बहुत लंबी लंबी दाढ़ी होगी। 12 वर्ष बीत गए,
परंतु कोई चमत्कार हुआ नहीं। अब विचार करने लगा कि 12 वर्ष घर छोड़े हुए हो गया, गृहस्थ में रहता तो ठीक था, जहां करके जो है ना कोई चमत्कार हुआ ना भगवान के दर्शन हुए, कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर फायदा क्या, लाभ क्या हुआ। तब जो है कहते हैं कि आपने जो साधन जो आप सत्कर्म जो सत्कर्म करते हैं उसका लाभ होता ही होता है। अब जो है भक्ति छोड़ी, इतनी बड़ी बड़ी जटा हो गई, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, और 12 वर्ष तक तब करता रहा, सब कुछ मिला नहीं, तब जो है अब सब कुछ त्याग करके जो है वन से फिर गृहस्थ की ओर चलने लगा। गृहस्थ की ओर जब चलने लगा तो जो है उसी क्षण जैसे गृहस्थ की ओर चलने लगा अपना वो करमंडल सोंडल सबको उठा करके, तो सामने से छोटा सा बालक, बड़ी छोटी अवस्था थी, सामने से मिला, उसने संत महाराज जी को प्रणाम किया। संत ही तपस्वी ही जटाधारी ही, संत के दर्शन हुए तो उस बालक ने उसे प्रणाम किया। तो उसने पूछा कौन हो बालक, तो उसने पूछा कि मुझे आप बतलाइए कि आप संत जहां पर तप कर रहे थे आप कहां जा रहे हो। उसने कहा वापस जा रहा हूं, ये तपस्या से कुछ हुआ नहीं, कोई चमत्कार हुआ नहीं, इसलिए मैं जा रहा हूं कहां, वहां पर मेरा गांव है, गांव का नाम बतलाया वहां जाऊंगा। अब चलने में भी पैदल रास्ते थे, कोई साधन थे नहीं, 3 दिन लगेंगे। तो उसने कहा मेरा गांव भी वहीं पर है। बालक कहता मेरा गांव भी वहीं पर है, उससे आगे है, चलो हम दोनों साथ साथ चलते हैं। उसने कहा ठीक है, दोनों चल पड़े। साइकिल हुआ, अब जो है रात कहीं गुजारनी थी, कहते दोनों चले हैं तो उस जिस जगह पर पहुंचे, जिस नगर में, वहां पर एक नगर सेठ रहते थे, बड़े धनवान थे, परंतु माँ के जगजने के उपासक थे, और उनका जो नियम था कोई भी अतिथि आए नगर में उनका स्वागत करना, उनका आदर करना, रहने की व्यवस्था करना, खाने की व्यवस्था करना, भली प्रकार से उनको प्रसन्न किया करते थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा थी उस पर जो है। तब जो है दोनों में संत महाराज जी और बालक वहां पर पहुंचा, और जो है आप जो है जैसे नगर में पहुंचे तो सेठ जी को पता चला कोई संत आए, बड़ी बड़ी जटा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, एक बालक भी उनके साथ शिष्य होगा। वह भागते हुए उनका स्वागत किया, प्रणाम किया, महाराज आइए आपका स्वागत इस नगर में, और जो है उन दोनों को अपने घर में ले गए, चंद धोए हैं, पूजन किया, बिठाया और भोजन तैयार करवा करके इसका सोने के बर्तनों में जो है भोजन करवाने लगे, भोजन दिया है, बड़े आनंदित हुए महाराज कि कितना स्वागत हुआ है, फल तो होता तपस्या का। सोने की थाली में जो भोजन मिला, और रात्रि को सोने के लिए भी बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। और जब भोजन पाया, भोजन करने के उपरांत जो है एक कटोरी उस बालक ने चुरा ली, एक कटोरी को चुरा लिया। अब जो है संत देख रहे थे परंतु बोले कुछ नहीं, साथ साथ चले थे और रात्रि को रहे, और फिर दूसरे दिन प्रातःकाल वहां से प्रस्थान किया। अब साइकिल को फिर जो है कहीं रहना था, परंतु जिस नगर में पहुंचे उस नगर में किसी ने पूछा नहीं रहने के लिए, किसने को स्वागत नहीं किया, किसने खाने के लिए नहीं पूछा, अब रहेंगे कहां। तब बालक ने कहा कोई बात नहीं, जहां पर जो है किसी स्वागत नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम जो है खेत में रह रहते, तो खेत में जो है उन्होंने रात बिताई। अब जो है खेत में रहे तो वहां पर जो है रात बिताई, प्रातः उठकर जब चले तो उस बालक ने वह कटोरी जो खेत में छोड़ दी, सोने की कटोरी वहां पर रख दी, और दोनों चल पड़े। संत महाराज ने फिर भी कोई प्रश्न किया नहीं, साथ चल रहे थे। अब जो है वह खेत का मालिक प्रातःकाल जब पहुंचा, देखा कोई अतिथि आए थे, जहां पर किसी ने स्वागत किया नहीं,
बड़े कोई भले आदमी थे, जहां पर रहे और जहां पर जाते हुए जिस सोने की कटोरी छोड़ गई, वह बड़ा प्रसन्न हुआ। अब जो है चलते चलते जो है आगे ही तीसरी नगर में पहुंचते हैं, बाहर देखे लोग जो थे एक नदी के किनारे जो है वहां पर स्नान कर रहे थे। पर्व था जैसे आज एकादशी ही पूर्णिमा होती है, जो कुंभ का पर्व चल रहा है, तो सभी जो है जो गंगा तट के किनारे नहीं जा सकते, नदियों के किनारे जाकर स्नान करते हैं। तो स्नान पर्व था तो सभी लोग जो वहां स्नान कर रहे थे और वहां एक राजपुत्र राजकुमार भी स्नान कर रहा था। अब उस नदी के पार उन्हें जाना था, पार उनका गांव था, नगर था, जहां पर संत महाराज जाना था, नदी पार करनी थी। नदी पर सभी लोग जो स्नान कर रहे थे, जहां पर राजकुमार भी स्नान कर रहा था, तो अब बालक झट से भागता हुआ गया, पानी में सब स्नान कर रहे हैं, वो राजपुत्र को गले से पकड़ा और उस नदी में डुबो दिया। बोले सच्चे दरबार की जय, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। अब जो है अब संत महाराज से पूछा कि तुम जब मैं वहां से उठा जमबन से तो मेरे साथ चला था, उस नगर में हमारा इतना स्वागत हुआ, इतना मान सम्मान हुआ, और आपने वहां से सोने की कटोरी उठा ली, चोरी कर ली। दूसरे नगर में पहुंचा, वहां पर किसने पूछा नहीं, जिस खेत में हम रहे वह कटोरी आपने वहां छोड़ दी। अब जहां पहुंचा हूं सब लोग स्नान कर रहे हैं, पर्व है, इस राजकुमार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्यों मार दिया इसको, आखिर तुम हो कौन, मेरे साथ जो चल रहे हो कौन। कहते उस समय चतुर्भुज रूप में जो है भगवान ने साक्षात उस महाराज जी को दर्शन दिए। बोले सच्चे दरबार की जय। आप कहते हैं कि साधना का फल नहीं, आप में धैर्य नहीं, आपने तप किया आपको उसका फल मिला, मैं पहुंच ही रहा था तो आप उठ करके चल पड़े। कई बार ऐसा होता है जीवन में जो है हमारी साधना भी फलीभूत होने ही वाली है, चाहे 5 मिनट के बाद चाहे 10 मिनट के बाद, परंतु उसके पहले ही बस आधा उठ करके चल पड़ते, नहीं कुछ नहीं 10 बातें सुना करके। तब ने पूछा फिर बालक को क्यों मार दिया, उसने कहा कि राजा जो है इसका एक ही बेटा है, राजकुमार जो है ये एक ही बेटा है, और इधर जो मंत्री जो है उसका भी एक ही बेटा है, ये मंत्री का बेटा है, राजा का बेटा नहीं, ये मंत्री का बेटा था, इसको मैंने मार दिया। योजना बना रखी है कि राजकुमार को समाप्त कर करके जो है मेरा पुत्र जो है ये, क्योंकि राजा को दूसरा का बेटा है नहीं, इसलिए मेरा पुत्र जो है यही राजकुमार बन जाएगा। जब इस प्रकार से छल कपट किए जा रहे हैं तो ये प्रजा का कैसे पालन करेगा, ऐसा दुष्ट जो है ये मंत्री का पुत्र है, इसलिए मैंने इसको पहले समाप्त कर दिया इस नदी में डुबो करके। अब किसने उसको देखा नहीं, वह काल जो किसी को दिखाई देता नहीं, अब देखी, पहले तो बात यह है काल जब पकड़ता है हमारे सिर पर बैठा होगा, हर क्षण हर पल जो है पहले उसकी बाणी बंद करता है, वह बोल ही नहीं पाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इस प्रकार से अब जो है वह बालक जो था, वह मंत्र का बालक जिसको डुबो दिया उसने, तो उसको किसी का पता नहीं चला होगा कि ये तो डूब गया नदी में, और राजा का बालक बचा। और इस प्रकार से आप ठीक प्रकार से जहां की व्यवस्था से चलेगी, इसलिए सारी व्यवस्था मैं देखता हूं कौन कहां पर क्या करता, किसको क्या फल देना है, मैं ही हर क्षण हर पल जिस तर्क लेता हूं। इसलिए कई भी जीवन में जो है साधना करते उग मत जाना, किसका फल नहीं, फल होता है, यदि बुरे कर्म करते उसका फल होता है क्या, उसका फल नहीं होता है, पाप कर्म का फल होता है, पाप कर्म का फल क्या है, दुख है, सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, आप कामना करेंगे वह कामना पूर्ण होगी नहीं, विघ्न आते जाएंगे। इस प्रकार उनको विघ्नों को दूर करने के लिए, उन दुखों को दूर करने के लिए, उस सिद्धि की प्राप्ति के लिए जो है एकमात्र जो है जी भगवान की आराधना है, मां भगवती की शरणागति है, जो मां के शरणागत होकर जाते हैं उनके पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, और फिर मां की कृपा से जब उनके पाप नष्ट होते हैं मां के आशीर्वाद से, तो
उन्हें सिद्धि प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तो मेधा से देवी सारा दुर्गा से दुर्ग भव सग नर संगा श्री के आदिवासा गोरी तमेव शशि मौलिक प्रतिष्ठा। क्रिसमस शास्त्रों के सार का ज्ञान जिससे प्राप्त होता है वह मेधा शक्ति आप ही। इस दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप जो है दुर्गा देवी आप ही। श्री केट भारी हृदय भाषा गोरी तमेव शशि मौलिक प्रतिष्ठा। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। माँ केटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल स्थल में भी निवास करने वाली श्री लक्ष्मी देवी आप। श्री लक्ष्मी को कहा गया कि कहते हैं माता के आगे श्री क्यों लगता है। श्री माता एक दिन किसने प्रश्न किया था कि माता के आगे श्री क्यों लगता है, पुरुष के आगे श्री लगता है, माता के आगे श्री क्यों लगता है। श्री जो है ये लक्ष्मी का रूप है। श्री अर्थात लक्ष्मी भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाले श्री लक्ष्मी देवी आप ही। गौरी तमेव शशि मौली कृत प्रतिष्ठा भगवान चंद्रमौली भगवान शंकर द्वारा पूजित सम्मानित गौरी देवी आप ही। अर्थात भगवान शिव भी आपकी पूजा करते हैं। भगवान शिव ने माँ की आराधना कर करके शक्ति की उपासना कर करके जब दस शक्ति संपन्न हुए तो उनका आधा शरीर नारी का हो गया था, जिससे भगवान शिव जो है इस संसार में अर्ध नारीश्वर कहलाए। इसलिए भगवती जो है ये सर्वशक्तिमान है। तो जो भक्तजन धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए नाम जप करते हैं, कोई मंत्र लेकर के मंत्र द्वारा जो है साधना करते हैं, बार बार मंत्र का जप क्या होता है, बार बार एक ही मंत्र का जप। आप देखिए कोई कष्ट आता है, ऐसा ऐसा रोग आता है, कहते हैं महामृत्युंजय का जप कीजिए। महामृत्युंजय से ही जो है इस प्रकार से जो भगवान शिव की ऐसी आराधना है जिससे व्यक्ति जो है अमर हो जाता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, ऐसे ऐसे मंत्र है। इस प्रकार से शनि की कोई दशा खराब चल रही है तो शनि मंत्र है, शनि स्तोत्र है, उनका जप कीजिए, पाठ कीजिए। तो बार बार जब जो है आप स्तुति करते स्तोत्र पाठ करते हैं मंत्र जप करते हैं, जब अंतर वह स्तोत्र जो है वह सिद्ध हो जाते हैं। जब सिद्ध हो जाते हैं तो जो है फिर तो जो ही मन में चिंतन होता है, आप बैठे हुए हैं, आप चिंतन कर रहे हैं कि मन में कुछ खाने की इच्छा हो रही है, सेब खाना है, सेब परंतु वहां पर है नहीं घर में। कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में चलकर आ जाएगा, वो लाएगा ही सेब। तो इसलिए जो मन में चिंतन करते हुए साधक जो है वह उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वही चीज के सामने उपस्थित हो जाती है किसी न किसी रूप से। तो जी इसलिए जे मंत्र जब जो है मंत्र पाठ का स्तोत्र पाठ का जो फल होते हैं, इसलिए जब साधक जो साधना करते हैं मंत्र जब करते हैं सिद्धि प्राप्त होती। गीता में भी भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्ता कलेवरम यह प्रजाति स मद्भाव जाते ना सत्र संशय। अंत काले च मामेव अंत काल जो पहला शब्द जो है अंत काल, अंत काले च कि अंतिम अंत काल क्या है कि अंतिम समय अर्थ है मृत्यु का समय। तो अंत काल में जो है जो मनुष्य जो है अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ अपने शरीर को छोड़ करके जाता है वह मेरे ही साक्षात स्वरूप को प्राप्त होते हैं। इसमें किसी को भी किसी प्रकार का संशय जो है नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में जो है ये गीता के आठवें अध्याय का ये पांचवा श्लोक है, पंचम श्लोक जो है। और गीता का कोई भी आप श्लोक ले लीजिए और यदि आप गहराई से उस पर मनन करें विचार करें तो उसे अपने जीवन उतारें तो उसी से व्यक्ति परम कल्याण को प्राप्त हो जाता है। तो श्लोक में पहला शब्द क्या है अंतकालिच। अंतकालिच अर्थात अंतकाल में यानी जो है मानव जो है मानव की मृत्यु के समय, परंतु अब जो मानव की मृत्यु का जो है पता नहीं कब होगी। प्रातःकाल होगी, सायंकाल को होगी, मध्याह्न के काल में होगी, आधी रात को होगी। जो मृत्यु जो है ये कब होगी इस प्रकार से अंतकाल, अंतकाल का कोई निश्चित समय नहीं है। कब मृत्यु जो है और ये कभी भी जो है कहीं भी जो है दिन में आ सकती है, रात में आ सकती है, प्रातःकाल आ सकती है और सायंकाल को आ सकती है, किसी भी समय जो है अंदर आ सकती है, बाहर आ सकती है,
किसी भी अवस्था में जो है बचपन में आ सकती है, जवानी में आ सकती है, बुढ़ापे में आ सकती है। इस प्रकार से इसका समय जो है इसका पते नहीं है, इसलिए प्राणी मात्र को जो है इसका तो पता नहीं है, क्योंकि कलि युग का मानव जो है वह वैसा नहीं है जैसे राजा परीक्षित हुए थे। राजा परीक्षित को जो है पहले ही जब श्राप दिया ऋषि ने, पता चल गया कि सातवें दिन मेरी मृत्यु होने वाले, 7 दिन उसको पता चल गया, इसलिए धर्म कर्म कर जो है राज्य का त्याग किया और परम मोक्ष प्राप्त कर ली 7 दिन में ही। यदि मनुष्य चाहे अपना कल्याण करना चाहे तो इस प्रकार एकाग्रचित होकर के, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे राजे महाराजे हुए हैं जिन्होंने ढाई कड़ी में ही जो है मोक्ष प्राप्त कर लिया था। तो इस प्रकार से अब राजा परीक्षित को पता था, भीष्म पितामह जो है उन्हें तो इससे मृत्यु का वरदान था कि जब चाहूंगा तो मृत्यु को स्वीकारूंगा, नहीं तो मृत्यु पास आ नहीं सकती। परंतु आज का मानव जो है वह वैसा नहीं है, इसलिए जो है कहा कि इससे मृत्यु का वरदान तो उसे था। मानव का अंतकाल तो जो है ये विधाता के हाथ में है, हमारे हाथ में है ही नहीं। फिर करना क्या है, करना क्या है? दूसरा शब्द जो कहा है माम एव स्वर्ण, कि मेरा स्मरण करना चाहिए। भगवान कहते हैं अंत काले च माम एव स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंतिम समय में जो है जो मेरा स्मरण करते हैं मैं मेरे ही स्वरूप को जो है वह प्राप्त होते हैं। अब स्मरण होगा कैसे? कई भगवान का ध्यान किया नहीं, कई भक्ति की नहीं, कई नाम जब किया नहीं, तो भगवान स्मरण आएंगे कैसे? स्वर्ण वो ही आते हैं जिसको प्रतिदिन मिलते हैं, जिससे बातचीत करते हैं। इसलिए कहा भगवती से इतना प्रेम कीजिए, प्रतिदिन उसके दर्शन करें, उसका निहारें। आप कहीं बैठ करके माँ का दर्शन कर सकते हैं। आप घर में बैठे हुए हैं, प्रातः उठते हैं, स्नान करते हैं, पूजा में बैठते हैं, तो उस समय माँ का स्मरण कीजिए। ये सारे रास्ते चलते हुए जो है आप इस प्रकार से माँ के दरबार में आकर के इस प्राचीन गुफा से होते हुए आप पिंडी के रूप में आप सामने खड़े होकर के इस पिंडी के रूप में आपका ध्यान करते हो, माँ के दर्शन घर बैठे कर सकते हैं। स्मरण कीजिए, तो प्रतिदिन जब स्मरण करेंगे तो अंतिम समय भी स्मरण होगा, जो माँ ही आपको दिखाई देगी। तो ऐसी के रूप को, ऐसी के धाम को आप प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए कहा कि भगवान तभी गे होते हैं कि जब आप उन्हें जो है प्रातःकाल सायंकाल सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते दिन रात जो है आप उसका स्मरण करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो आपको जो है वह स्मरण होंगी। या तो ही आप जो याद करेंगे तो वह याद नहीं करेगी। यदि आप उसका स्मरण करते, आपने स्मरण किया, आपने घर बैठे याद किया, तो माँ ने आपको अपने दरबार में बुला लिया। इसलिए कहा है कि इसके बुलावे के बिना जहाँ पर कोई आ नहीं सकता, इसकी कृपा के बिना जहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता, तब यह अंत समय में जो है भगवान का नाम जो है आता है। जब उसका आप प्रतिदिन जो स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, उसका स्वरूप भी सामने आएगा, भगवान साक्षात वहां पर आते हैं। इसलिए विष्णु पितामह अंतिम समय में भी भगवान का स्मरण करते, भगवान लेने के लिए आते हैं, भगवान सामने खड़े हैं। इतने नहीं, कहते कि रावण चाहे शत्रुता से ही सही, वो भगवान का नाम तो लेता था शत्रुता से भी, तो इसी नाते से। और कंस भय भयभीत रहता था कि जब चलता था तो ऐसे लगता था कि कृष्ण पीछे आ रहे हैं। कई बार कोई व्यक्ति चलते हैं तो उनको पता होता है, ऐसा लगता है कोई मेरे पीछे आ रहा है, तो पीछे मुड़ करके देखते हैं कृष्ण। उसको ऐसे ही अनुभूति होती थी कि जब चलता तो ऐसा लगता है कि पीछे कृष्ण आ रहा है, पीछे मुड़कर देखता था तो लगता था कि सामने खड़ा है। जल पीता तो जल में उसको कृष्ण दिखाई देते थे, भोजन करता भोजन में कृष्ण दिखाई देते थे, इतना भयभीत रहता था। तो क्या हुआ अंतिम समय में, कृष्ण कृष्ण जो है इस प्रकार से चाहे भय से उन दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ, रावण को भी और जो है कंस को जो है उन्हें जब मोक्ष की प्राप्ति हुई। विभीषण जो है शरणागति के कारण, जो शरणागति हो जाते हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, तथा हनुमान जो है ये श्रद्धा से और प्रभु का नाम जपते रहते थे। हनुमान हमेशा श्रद्धा युक्त होकर, उनका कोई स्वार्थ था नहीं, निस्वार्थ। और रामायण में देखेंगे सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, परंतु हनुमान जी का कहीं स्वार्थ, निस्वार्थ जो है भगवान के नाम का जप करते थे, सेवा करते थे। और इस प्रकार से जब श्री रामचंद्र जी ने कहते कि बाली को मारा, तो बाली ने भी उस समय जो है कहा उसको कुछ ठीक नहीं लगा, बुरा लगा कि मुझे मारा है। तब उन्होंने कहा यदि आप चाहते हैं, क्योंकि आपने अधर्म किया उसका फल आपको मिला है, और यदि आप चाहते हैं, भगवान सामने थे, तो मैं आपको दीर्घायु दे देता हूं, आपको जीवन दान दे देता हूं,
उसने कहा क्या जो संयोग फिर मुझे मिलेगा, जो शरीर जो अजय मरणशील है जो तो मरेगा ही, आत्मा अजरे है अमरे शरीर तो मरेगा ही, इसलिए जो है जिस संयोग क्या फिर मुझे मिलेगा। कि कहते हैं जिसके लिए ऋषि मुनि जो है जीवन कई जन्म जो है वन में रहकर तब करते हैं कि अंतिम समय उसका नाम ले उच्चारण कर सके। और वह परमपिता परमात्मा जो है मेरे सामने खड़ा है इस समय, तो क्या जिस संयोग फिर से मिलेगा? उन्हें बिल्कुल नहीं। अब मैं जाना ही चाहता हूँ, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए जो सारी अपनी आजू लगा देते हैं अंतिम समय में उनको ऐसा साक्षात्कार दर्शन ही होता है, तो बाल्य जो है उसके सामने भगवान खड़े हैं, सामने उसका स्मरण करते हुए व्याधि मोक्ष को प्राप्त हुए। और यामिल जो था अंतिम समय नारायण नारायण पुकारते हुए इसका व्याधि जो है पर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय यह था जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, अपना वधित चाहते हैं, तो अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, उन जिस प्रकार सत्संग करना, भगवान का स्मरण करना, जिस स्तुति पाठ करना, मंत्र जप करना, ये करने से ही जो है अंतकाल में स्मृति बनी रहती है। क्योंकि जब आप स्मरण करते हैं, भगवती का स्मरण करते हैं, तो देव बुद्धि होती है, बुद्धि में अच्छे विचार आते हैं, जिसमें देव बुद्धि होती है उसी को उसका स्मरण आता है। और जब कुबुद्धि होगी वह कहाँ उसका स्मरण करेगी? तो देव बुद्धि तभी होती है जब उसके नाम का जप करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, तो देव बुद्धि आती है। जिसको देव बुद्धि उत्पन्न हो जाती है और देव बुद्धि उसकी कृपा से प्राप्त होती है, तो उसी को जो उसका स्मरण होता है और वही जो है सब वर्ष परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। कथा श्रवण करना, सत्संग करना, नाम जप करना, ये करने से ही जो है मनुष्य का कल्याण होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। समय अधिक सुखा मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री सूर्य जी माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सही भक्त संकीर्तन में सहयोग देना शामिल कर बोलना ताली भी जाते हुए श्री सूर्य जी। जय कर बोल सच्चे दरबार की जय। मैं जगदम्बे दर्श अपना दिखा दोगी तो क्या होगा, भजग दम पे दर्श अपना दोगी तो क्या होगा, भजग दम पे दर्श अपना दिखा दो जगदम्बे दर्श अपना दिखा दोगी तो क्या होगा, जगदम्बे दर्श अपना दिखा दोगी तो क्या होगा। अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाल सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करे, आपके सभी में आपकी मर्यादा पूरी करे, आपका जीवन खुशियों से भर पाए। लगा दोगी तो क्या होगा, किनारे पर
जगदम्बे दर्श अपना दिखा दो मेरी शरमा
बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री यशपाल जी। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तेरे नाम दे जपा मैं माया काला, तेरे नाम दे जपा मैं माया मुझे रावाली कर कृपा। तेरे नाम दे जपा मैं भला, ओ शेरावाली कर कृपा। तेरे नाम दे, तेरे नाम दे जपा मैं भला भला, तेरे नाम दे जपा मैं भला, ओ शेरावाली कर कृपा। तेरे नाम दे जपा मैं भला भला, तेरे नाम दे जपा मैं भला, ओ शेरावाली कर कृपा। तेरे नाम दे, ये सब कलियां फूल दे तेरे रूबा गांधी वाले सब कलियां फूल न तेरे तू बागा की माली मामा। तेरी बगिया मिच है पगठे कर्म कमावन वाली मामा, मेरी बगिया मिच है पगठे कर्म कमावन वाली मामा। चोली मेरी बात जवाला ओ शेरावाली कर कृपा। तेरे नाम दे, तेरे नाम दे जपा मैं माला माला, तेरे नाम दे जपा मैं माला, ओ शेरावाली कर कृपा। तेरे नाम दे, तेरे नाम दे जपा मैं माला माला, तेरे नाम दे जपा मैं माला, ओ शेरावाली कर कृपा। तेरे नाम दे, मन मंदिर दे विच भवानी आकर करो बसेरा मां, मन मंदिर दे विच भवानी आकर करो बसेरा मामा। अपनी ज्योति दे दे मैया मोहे दूर, अपनी ज्योति दे दे मैया मोहे दूर हनेरा मामा। मेरी दुनिया कर दे उजाला साथी, मेरी दुनिया कर दे उजाला शेरावाली कर कृपा। तेरे नाम दी, तेरे नाम दी जपा मैं माला माला, तेरे नाम दी जपा मैं माला, ओ शेरावाली कर कृपा। तेरे नाम दी, तेरे नाम दी जपा मैं माला माला, तेरे नाम दे जपा मैं माला, ओ शेरावाली कर कृपा। तेरे नाम दे, तू जावे ते उजड़े मन विच कोयल गीत सुनावे मां, तू जावे ते उजड़े मन विच कोयल गीत सुनावे मां। छिपियां दे बिच तेरी ज्योति मोती बन जावे मां। तेरा चंचल है
जयकारा श्रीनवल बोल सच्चे दरबार की जय। अखियां उड़क दिया दिल बाजा मारदा, अखियां उड़क दिल बाजा मारदा, आज तैनू वास ताई बच्चियां दे प्यार दा, आज तैनू वास ताई बच्चियां दे प्यार दा। अखियां उड़क दिया दिल बाजा मारदा, अखियां उड़क दिया दिल बाजा मारदा, आज तैनू वास ताई बच्चियां दे प्यार दा, आज तैनू वास ताई बच्चियां दे प्यार दा। आजा माया जा माया जाया जाया पापिया आज तेनू वाज ताई बच्चियां दे प्यार दा, आज तेनू वाज ताई बच्चियां दे प्यार दा। अखियां उड़ीक दिया दिल बाजा मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल बाजा मारदा, आज तेनू वाज ताई बच्चियां दे प्यार दा, आज तेनू वाज ताई बच्चियां दे प्यार दा। तुयो है करार दादी दिल बेकरार दा, तुयो है करार दादी दिल बेकरार दा, आज तैनू वास ताई बच्चियां दे प्यार दा, आज तैनू वास ताई बच्चियां दे प्यार दा। होवे नहा नेर पावे लग जावे दे, याद तेरी आई तू ना आई जानिए, आशा वाली जोत मैं जगाई जानिए, हो आशा वाली जोत मैं जगाई जानिए, आशा वाली जोत मैं जगाई जानिए। आवे ओदे कोल जेड़ा तैनू मां पुकारदा, आवे ओदे कोल जेड़ा तैनू मां पुकारदा, आज तैनू वास ताई बच्चियां दे प्यार दा, आज तैनू वास ताई बच्चियां दे प्यार दा। जो भी मेरे पास तेरा तन दाती है, तेरे नाल बच्चियां दी शान दाती है, हो तेरे नाल बच्चियां दी शान दाती है, तेरे नाल बच्चियां दी शान दाती है। बागा वाल वेला कद आवे गाजी दाज दा, बागा वाल वेला कद आवे गाजी दाज दा, आजा 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 तैनू बाज ताए बच्चे आवे प्यार दा, आजा आजा तैनू वास ताई बच्चियां दे प्यार दा, आजा तैनू वास ताई बच्चियां दे प्यार दा, आजा माया आजा माया जा आजा 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 माया आजा माया आजा 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 माया आजा माया जा आजा आजा। जयकारा शेरा वाली बोल सच्चे दरबार की जय। नागद सर्वेश्वर भण भणोत्त
रतन सर रतन भले बास देहल तम देहा करने नेत्र त्रयोदवासिता माला कुंभ कपाल नीरज कर चंद्रार्ध चूड़ा पर सर्वज्ञेश्वर भैरवांकन लया पद्मावति कंकरे सचिया ज्योता वाले माता तेरी जय। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्त जनों को सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में और विशेषतः आज जया नाम की एकादशी के दिन माँ के चरणों में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस पर्व पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भाने भवे शर्मान शस्वे भवे प्रज्ञा भाने भवे भूर भूत करने धाने कनिष्ठ भवे तेजस्वी भवे धैर्य गर्व दलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंबर पाद पुनरत सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ है शत्रु नाम बुद्धि ना सोस्त मित्र नाम देश शरीर वर्चस्व आयुष्मारोग्यमा विदा शुभ मानव हीते धनम धान्यम पशु भवपुत्र लाभ सस्मसल दीर्घमाज अस्त दीर्घमाज। भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपका सुख समृद्धि प्रदान करें धन धन्य से समृद्ध करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे संभल कर बोलना चालू जाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय जामातरी महिषासुरगणे साम्रभलोचन
दुख भाग भवे
आरती क्रम देखे सुने और मन मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती गणित लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैया चुपैर जो सतगरी जो चरणा का ज्ञान जय चक्रम धनु सायकम
भजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो, जकारा शरण वाली दास।